इस स्टोरी में एक कपल मगरमच्छ के साथ एक 6 मीटर गहरा स्विमिंग पूल में 7 दिन के लिए फंस जाते हैं और मगरमच्छ उस लड़की को काटने जाता है। फिर वो लोग वहां से बच के निकल पाते हैं कि नहीं, द पूल मूवी की इसी कहानी को लेके आज हम विस्तार में आलोचना करेंगे। मूवी के शुरू में एक स्विमिंग पूल में एक एडवर्टाइजमेंट का शूट होते हुए दिखाई देता है, जहां पर डे नाम का एक लड़का काम कर रहा था। उसके कुछ देर बाद डे की गर्लफ्रेंड कोइफी उस शूटिंग सेट पर आती है और कहती है कि शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो भी स्विमिंग करना चाहती है, तो डे मना कर देता है। डे और कोय बहुत दिनों से रिलेशनशिप में एक साथ थे और सेट पर कोय डे को एक बर्थडे गिफ्ट देती है, जिस बॉक्स के अंदर एक बेबी टॉय रहता है। उसके बाद शूटिंग शुरू हो जाती है और शूट खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन डे का एक फ्रेंड स्विमिंग पूल के ड्रेनिंग सिस्टम को ऑन कर देता है और डे के डॉग को बांध देता है। डे का वो फ्रेंड वेकेशन के लिए निकल रहा था, तो वो डे को बोल के जाता है पूल से बाहर आने के लिए, क्योंकि वो ड्रेनिंग सिस्टम को ऑन कर दिया है। जाने से पहले डे उस फ्रेंड को एक पिज्जा ऑर्डर करने के लिए कहता है और डे थकान के कारण उस 6 मीटर गहराई वाले पूल में सो जाता है। जब डे का नींद खुलता है तो देखता है उस पूल के आधा पानी ड्रेनिंग सिस्टम के कारण निकल चुका है और उसके बाद डे डर जाता है, क्योंकि वो उस पूल के अंदर अभी फंस सकता है। डे बहुत कोशिश करता है पूल से निकलने के लिए, पर वो नाकामयाब होता है। डे का फोन पूल के एकदम साइड में ही था और उसमें कोई का कॉल आती है, तो फोन वाइब्रेट होते होते पूल में गिरने ही वाला था और उसी समय पूल की दूसरी तरफ डे का डॉग लकी भी स्लिप होकर पूल के अंदर गिरने ही वाला था। तो डे के पास 2 ऑप्शन था, एक कि वो अपना सेल फोन को पकड़ ले या फिर उसके डॉग को बचाए। तो डे लकी को बचाने जाता है, क्योंकि लकी अगर पूल के अंदर गिरता है तो वो तभी मर जाएगा, क्योंकि लकी चेन से बंधा हुआ था। तो वो किसी तरह लकी को बचा लेता है और उसके बाद अपना सेल फोन को लेने जाता है, परंतु फोन पानी में गिरने की वजह से काम करना बंद कर देता है। उसके बाद पिज्जा डिलीवरी बॉय आता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है, क्योंकि तब डे ड्रेनिंग सिस्टम को रोकने की कोशिश कर रहा था पानी के अंदर। तब वो डिलीवरी बॉय पिज्जा वहाँ पे रख के चला जाता है। इसके कुछ देर बाद कोय वहाँ पर आती है और देखती है कि डे स्विमिंग पूल में सो रहा है, तो कोय भी स्विम करने की मन बना लेती है और जब जंप करने जाती है तब अचानक डे का आवाज सुन के वो डर जाती है और लड़खड़ा जाती है और इसकी वजह से कोय की मथे पर चोट लग जाती है। उसके बाद डे खुद से वो ड्रेनिंग सिस्टम को फिर से ठीक करता है, क्योंकि ज्यादा पानी होने के कारण वो कोय की ख्याल ठीक से रख नहीं पा रहा था। पर उसी रात अचानक से एक मगरमच्छ वहाँ पर आ जाता है और उसी पूल के अंदर गिर जाता है। डे बहुत डर जाता है, परंतु लकीली वो मगरमच्छ पानी के अंदर ही चुपचाप रहता है। दूसरे दिन उस पूल का सारा पानी ड्रेन हो चुका था और अभी उस पूल के अंदर डे, कोय और वो मगरमच्छ था। उसके बाद डे को पता चलता है कि कोय प्रेग्नेंट है और फिर वो देखता है कि कोय के सर से ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही थी, तो वो कोय के सर को डक्ट टेप से बांधने की सोचता है, पर वो डक्ट टेप उस मगरमच्छ के मुंह के अंदर था। तो धीरे धीरे वो मगरमच्छ के तरफ जाता है और मगरमच्छ के मुंह के अंदर से वो डक्ट टेप ले आता है और फिर वो कोय की ट्रीटमेंट करता है। उसके बाद डे कोय की नेकलेस की मदद से ड्रेनेज कवर को खोलता है उसके नीचे से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए, पर वो मगरमच्छ उस टनल के अंदर घुस जाता है। मगरमच्छ जिस तरफ जाता है डे उसके दूसरी तरफ जाके बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढ लेता है, पर उसमें ताला लगा हुआ था। फिर वो मगरमच्छ वो टनल से बाहर आकर कोय की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि डे को आईने में दिख जाता है और वो जल्दी से पूल में वापस आता है और कोय को बचा लेता है। फिर कोय होश में आती है, परंतु भूल जाती है कि वो यहाँ पर कैसे आई थी। तो डे उसको बताता है कि वो लोग 2 दिन से इस पूल में फंसा हुआ है, परंतु डे कोय की प्रेगनेंसी के बारे में याद नहीं दिलाता है, क्योंकि डे नहीं चाहता था कि कोय प्रेग्नेंट हो। उस रात में एक्सीडेंटली लकी वो पिज्जा पूल के अंदर फेंक देता है, तो 2 दिन के बाद उन लोगों को कुछ खाने को मिलता है। अगले दिन वो लोग बहुत टायर्ड दिख रहे थे डिहाइड्रेशन की वजह से, और पता चलता है कि जो मगरमच्छ उन लोगों के साथ उस पूल में थी वो फीमेल थी और वो कुछ अंडे भी दी थी।
चौथा दिन वो दोनों प्लान बना के उस मगरमच्छ को टनल के अंदर फेंक देते हैं। उसके बाद वो आग जलाने की कोशिश करते हैं उस मगरमच्छ के अंडे को बॉईल करने के लिए। खाने के बाद वो दोनों किसी तरह से वहाँ से बाहर निकलने के लिए कोशिश करते हैं, पर वो निकल नहीं पाते हैं। उसके बाद वो दोनों बैठ के सोच रहे थे कि वो लोग यहाँ से कैसे बाहर निकले। तभी कॉय देखती है जो टॉय वो डे को दी थी उसमें से वो बेबी टॉय गायब है और समझ जाती है कि शायद डे ही उस बेबी टॉय को कहीं फेंक दिया है, क्योंकि डे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहता था गरीब होने के कारण, जो सुन के कॉय बहुत ही दुखी हो गई। पांचवा दिन वो मगरमच्छ पूल में वापस आती है और उसके अंडे मिसिंग होने की वजह से वो मगरमच्छ गुस्सा हो जाती है, परंतु लकीली वो दोनों टनल के अंदर जाने में सक्षम होते हैं। उस पूल के अंदर रहते हुए उन दोनों को 6 दिन हो जाता है, तब भी कोई उन लोगों को बचाने नहीं आते हैं। तभी डे देखता है एक ड्रोन उस पूल के ऊपर से उड़ रहा है, तो वो पूल के अंदर वापस जाता है। उस दिन बहुत हवा चल रहा था तो एक वायर टूट के पूल के अंदर आके गिरता है, तो डे उस वायर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, परंतु वो वायर कमजोर होने के कारण डे गिर जाता है और उसके बायां पैर में चोट लग जाता है। तभी वो मगरमच्छ आके उसके बायां पैर को काटने जाती है, तो डे अपने दूसरे पैर से मगरमच्छ से लड़ने की कोशिश करता है और लकीली वो मगरमच्छ उसे छोड़ देती है। दूसरी तरफ बारिश शुरू हो जाते हैं और टनल पानी से भरने लगते हैं, और डे लंगराते हुए टनल में वापस आके कॉय को ढूंढने लगता है, पर गलती से वो टनल के दूसरी तरफ चला जाता है, पर वहाँ उसको बाहर जाने का एक रास्ता दिखाई देता है, परंतु बाहर निकल के देखता है कि ये एक दूसरा स्विमिंग पूल है, तो वो और भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। अगली सुबह एक ड्रोन उस पूल में आके गिरता है, तो वो ड्रोन के ओनर उस पूल के अंदर आता है लैडर के मदद से, पर उन लोगों को मगरमच्छ नहीं दिखता है क्योंकि वो सोफा से ढका हुआ था। जब वो लोग ड्रोन कलेक्ट करके वहाँ से जा रहा था, तभी डे उस पूल में वापस आता है और देखता है कि वो लोग लैडर को वहीं पर छोड़ के गए हैं। तब डे उस भूखे मगरमच्छ से लड़ने लगता है। उसके बाद कोई मुश्किल में दिखाई देती है और वो लैडर भी किसी तरह पूल से ऊपर चला जाता है। तब डे समझ जाता है कि बचने का और कोई चांस नहीं है और शायद वो अब मगरमच्छ के शिकार बन जाएगा, परंतु उसके बाद दिखाई देता है कि कॉय अभी भी जिंदा है और विसल ब्लो कर रही है। डे को विसल सुनाई देता है और वो अपने डॉग को बुलाता है, तो लकी पूल के अंदर छलांग लगा देता है जिससे लकी मर जाता है। डे को पता था कि इससे लकी मर जाएगा, परंतु उसके पास और कोई चारा नहीं था। कॉय भी पानी के अंदर डूब जाती है और इस तरफ गुस्से में आके डे उस मगरमच्छ को मार देता है। उसके बाद डे लकी के गले का रस्सी पकड़कर पूल के ऊपर आ जाता है और कॉय को बचाने की कोशिश करता है। टनल के अंदर से जब वो कॉय को उठा के ले आता है, तो उसको लगता है कि कॉय अब नहीं रही, परंतु थोड़ी देर बाद वो सांस लेने लगती है। और इसी तरह वो दोनों 7 दिन बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद जिंदा रहने में कामयाब होते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक अमीर आदमी 21 साल क्यों गरीब होने का नाटक करता है और उसके फैमिली जब जान जाते हैं कि वो अमीर है तो क्या परिणाम होता है, तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।